जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि सीएम धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत प्रदेश भर में सड़कों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसी को लेकर प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि वार्ड नंबर 1 फुलसुंगी की सड़क पिछले लंबे समय से खस्ता हालत में थी। ऐसे में जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए उन्होंने बीते दिनों इसका संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। साथ ही क्षेत्र की अन्य सड़कों को भी शीघ्र गड्ढा मुक्त किया जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का तेजी से विकास किया जा रहा है। इसके तहत ही रुद्रपुर क्षेत्र में भी विकास की गति थमने नहीं दी जाएगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज हमने वार्ड नंबर 1 में फुलसुंगी से लेके फुलसुंगा तक और फुलसुंगा से लेके ट्रांजिट कैंप तक जो सड़क में खड्डे हो गए थे, मैंने यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है ओमपाल जी उनसे बात की थी और हमने पीछे खड्डों का निरीक्षण भी किया था। आज वो टेंडर के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है, इसका टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी तेजी से खड्डे भरने का काम हो गया है और एक दो दिन में ये पूरी गंगापुर वाली फुलसुंगी से लेके फुलसुंगा तक और ट्रेन कैंप तक रोड खड्डा मुक्त हो जाएगी। मैं इसके लिए हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने लगातार क्षेत्र की चिंता करते हैं, हमारे मार्गों की चिंता कर रहे हैं, जिन्होंने विकास कार्यों में उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम किया है और लगातार उत्तराखंड बुलंदियों को छू रहा है। चाहे हमारी यहाँ इकोनॉमी हो, उसको बढ़ाने का काम भी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, हमारे यहाँ उद्योग लगाने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। मैं पुनः क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।